यू नो हाउ दे से डांस लाइक नो वन्स वॉचिंग. हाँ, मेरे को तब भी नहीं करना चाहिए. मेरे को करना ही नहीं क्योंकि लोग नहीं देख रहे तो क्या, मेरे को तो पता है ना मैं कैसा दिख रहा हूँ. किसी के बताने की जरूरत थोड़ी कि अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं गधा लग रहा हूँ. इतनी 3D मैपिंग ना सब कर लेते हैं अपनी. एंड द थिंग इज इफ समवन्स डांसिंग आई कैन कॉपी इट रियली वेल एंड डू अ वेरी डीसेंट जॉब. पर अगर तुम म्यूजिक बजा दोगे और बोलोगे नाच, तो आई विल मेक अ फूल ऑफ माय सेल्फ. तो मैंने नाचना ही छोड़ दिया ऑल टुगेदर. मैं अपने सगे भाई की शादी में नहीं नाचा यार. एंड पता है रिलेटिव्स आर गेटिंग पिस्ड ऑफ. वो आके बोल रहे तेरे खुशी नहीं हो रही क्या, तेरी खुशी हो रही होगी ना तो तू नाच, नाच ना फिर नाच, खुशी हो रही है तो नाच. हम नाच रहे हैं, देख हम तो नाच रहे ना ऐसे ऐसे, हम नाच रहे हैं, हमें तू भी नाच, हमें खुशी हो रही है, नाच रहे, तू क्यों नहीं नाच, नाच हो रही है खुशी तो नाच, नाच नाच. इतना प्रेशर डूड, मैं प्रेशर में, मेरे को करना पड़ा, मैं वहां पे कर रहा हूं. वो फिर भी खुश नहीं हो रहे, तो मैं ऐसे चुटकी भी बजा रहा हूँ, थोड़ा सा पाँव भी ऐसे टैप किया, फिर भी खुश. बोले नहीं, खुल के नाचना, खुल के नाचना, तेरे भाई की शादी है, खुशी नहीं हो रही, देखो खुशी नहीं हो रही, कैसी खुशी है, ये छोटी सी खुशी है, बड़ी खुशी लाना. इतना खुशी 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 कर रहे, और मैं सोच मेरे को ऐसी खुशी कभी हुई नहीं यार. तो ऐसी कौन सी खुशी है यार जो सिर्फ ऐसे ही जाया हो पा रही. हाँ यार अब खुश लग रहा है ये. उससे पहले ना मायूस मायूस सा लग रहा था थोड़ा सा. खुशी ना 1 2 3 4 1 2 ऐसे होनी चाहिए खुशी. हर किसी का अपना अपना तरीका होता है. नॉट एवरीवन एक्सप्रेसेस द सेम. मेन इन जनरल आर नॉट एज बिग फैंस ऑफ डांस. लाइक हाउ मेनी मेन वी आर लव डांसिंग. ये देख रहे हो घोर सन्नाटा. ये थोड़ा और मिडिल एजेड होता ना, दो हाथ उड़ जाते, फिर मैं बोलता दारू पी के अलाउड नहीं है, दो हाथ नीचे. कॉन्ट्रास्टिंगली हाउ मेनी वुमेन वी आर लव डांसिंग. Yes, you see, cheer that. Now I'm like, yeah, of course we love. What is this ridiculous question? Of course we love that. No, please don't feel shy, dude. There are times I wake up in the morning, I see my wife dancing without music. हाँ, वो मस्त है. सुबह उठती, अपना apple काटती, मेरा apple कट गया. मतलब मेरे को भी इतना खुश होना यार ज़िंदगी में. और मैं उससे पूछ रहा, तेरे को पता कैसे चलता है step कब change करना है? एक ही तो सहारा था म्यूजिक, ये 4x4 पे कैसे चल रही है? गिवन अ चांस, गिवन एन मतलब ऑप्शन, मैन वुड नेवर डांस. करे ही, मैं मतलब आई हैव अ फीलिंग नो मैन वुड एवर डांस इफ वुमेन डिड नॉट फाइंड इट अट्रैक्टिव. तुम ये एंगल हटा दो, बजा दो जो गाना बजाना. बंदा हिलेगा ही नहीं. मैं बता रहा हूँ, बंदा डांस कर रहा हो ना, बंदी देखना बंद कर दे, बीच स्टेप में रुक जाए. नहीं फालतू में क्यों करूं, नहीं ये सब करके कोई मजा आ रहा है क्या मेरे को, ये क्या कर रहा हूं मैं, वो देखेगी तब करूंगा. तो मन में तो नैट जियो की कमेंट्री चल रही है, नर ने मादा को मीटिंग कॉल दिया है. नहीं करना यार बंदों को. यू नेवर सी अ गाय कॉल अप अनदर गाय फ्रेंड, डूड यू नो गो डांसिंग टुनाइट, चल ना ब्रो बहुत मजा है. I think the immediate response would be दिमाग खराब हो गया क्या फिर. You see, it's not response की लाए आज मन नहीं है या वहाँ का म्यूजिक अच्छा, it'll be दिमाग ही खराब हो गया है क्या तेरा, किसी बेतुकी बातें कर रहा है. For centuries and generations, you know, men have danced obnoxiously and passed down this wisdom, मत करना गधे लगोगे. And most of the men have taken it positively. हाँ सही बात है यार. It's a risky venture. पर क्या ना तुम हर बार नहीं अवॉइड कर पाते, कभी ना कभी तो तुम्हें भी कर, लाइक तुम्हारी खुद की शादी होगी उस दिन. द मोस्ट एंटिसिपेटेड ब्राइड एंड ग्रूम का डांस देखा ना सबने, बंदे का क्या कटता है उस दिन. 90% है, आई वुडंट से ऑल 90, ऐसे बंदियों को मस्त एलिगेंस और पॉइस के साथ ऐसा 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 करके जा कोने में ऐसे जाके टक टक ऐसा फिर. अब वो ये सब ग्रेसफुली कर रही होती है, बंदे को एक वेटिंग स्टेप दे देते. प्रैक्टिस में कब तक करूं, जब तक मैम कर रही है. आप करते रहो बस, गधे मतलब डू स्कूटर स्टेप. छोटा बच्चा उसको दोनों साइड घुमाते, अरे अरे तेरे में तो ज्यादा एनर्जी है, तू ऑसिलेट कर यार. करना ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए. वी ऑल एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ्स बीन इन अ पार्ट ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी हैव सीन अ गाय डांस एंड अपने बाजू में दोस्त को बोल रहे, व्हाट द फक इज ही डूइंग, एक मिनट देख उसको यार, जस्ट लुक एट हिम.
तो कपड़े उपड़े फाड़ देगा यार, ये क्या कर रहा है. I remember मैं NH7 गया था, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, पीपल आर स्लॉश्ड, बैडली एनी केयर फॉर व्हाट म्यूजिक इज बीइंग प्लेड, मिडल ऑफ द नाइट. मैं तीन बंदों को देख रहा हूँ एंड द बैंड ऑन द स्टेज इज स्क्रीचिंग ऑन द माइक, स्क्रीचिंग तीन बंदों का ग्रुप है, दो जन भांगड़ा कर रहे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, कर रही और पैशनेटली, और पैशन. एक बंदा स्विच करके नागिन डांस करने लग गया. मैं स्टेज पे देखना ही छोड़ दिया, मैंने कहा मेरे को ये देखना है कि इसको कब तक लगता है ये बीट पे चल रहा है कि के साथ ये से. Dude, and they were not just dancing, they were role playing also. ये बंदा घुटना उठा के डांस कर रहा है, वो जो नागिन बना हुआ था ना, वो थोड़ी देर बाद उसके घुटने पे डस गया. और उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है यार, ये तो ऐसे कंफ्यूज पड़ा, पर ये नागिन बना हुआ ना तो कैरेक्टर में, तो बोल नहीं सकता है, तो डसे जा रहा है, डसे जा रहा है, डसे जा रहा है. थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया, तो मेरे को तो नागिन डस गया यार, मेरे को तो जहर लग गया. वो तीसरे वाले को बोला चूस ले, खून चूस ले यार मेरा, क्या कर रहा भाई, मर जाएगा यार, तो पता नहीं क्या दिखा ना तूने पिक्चर में, खून चूस थूक उधर, खून चूस थूक उधर. वो तीसरा वाला सुट्टा मारा, भाग मैं दिमाग खराब कर रहा है. तुम्हारे दोस्त पब्लिकली नागिन डांस करने लगे, तुम 10 मिनट दोस्ती कैंसिल कर सकते हो, ऐसा करना चाहिए. इतना ही है.